देखो मैं शेफ शाहिद, आज आपको बहुत ही अच्छा क्रीमी मिल्क बनाना शेक बनाना सिखा रहा हूँ, जिसके लिए बहुत ही हमें कम चीज़ों की ज़रूरत है, जो कि हमारे पाकिस्तान में एक बहुत ही मशहूर ज़माना दुकान है नाजमाबाद में, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, उसका जो करीमी शेक है बिल्कुल इसी तरह बनता है, क्योंकि मैंने वहाँ भी 5-6 साल काम किया है तो मेरे को सब पता है उनका। अभी और भी इंशाल्लाह मज़ीद आपको मैंगो शेक, खजूर शेक सब डालूंगा। सही, जल्दी जल्दी से देख लें, और प्लीज़ मेरा पेज जीए पाकिस्तान किंग शेफ शाहिद जट यूट्यूब पर है, उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। सही है, ओके, आप सीखे जल्दी से क्या क्या हमें चाहिए होगा। देखें मैं दो दो गिलास बनाऊंगा इस तरह के, उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा वो आप देख लें। देखें सबसे पहले हमें चाहिए दूध 1 गिलास, केले 5 से 6 अदद, कोई भी फ्लेवर किसी किस्म का भी ले लें आप, फ्रेश क्रीम तकरीबन 2 बड़े खाने के चमचे, और हमें बनाना एसेंस चाहिए होगा अच्छे वाला, कोई सा भी ले लें, 1/2 टीस्पून से, बल्कि 1/2 टीस्पून ज़्यादा है, 1/4 टीस्पून। सही है, बर्फ चाहिए होगी हमें, चीनी चाहिए होगी हमें, अच्छा उसकी डेकोरेशन के लिए बड़े वाले स्ट्रॉ, पैराशूट जो खूबसूरती के लिए लगता है इसके ऊपर, और पेपर्स, टिश्यू पेपर्स। चले आए बनाते हैं बिस्मिल्लाह की बरकत। सबसे पहले हम इसमें केले डालेंगे, बिल्कुल इसी पे आ रहा है, केले अच्छे लें पक्के नरम बेहतरीन, उसका अच्छा शेक बनता है। सही, 6 भी ले सकते हैं, यहां तक के 8 केले भी ले सकते हैं, अगर आपको बहुत ही गाढ़ा पसंद है तो फिर आपने 8 केले लेने हैं, वैसे 6 केले 5 केले बहुत हैं, नॉर्मल बन जाएगा। अच्छा इसके बाद हमने ये दूध डाल दिया इसके अंदर, अच्छा अब हम चीनी डालेंगे, चीनी कितनी चाहिए होगी हमें, 1/1 खाने का चमचा। सही है, बनाना एसेंस, बहुत ही आसान है, आइस, आइस अपने हिसाब से डालें आप जितने भी डालना चाहते हैं। ये नहीं होता कि आइस भर गए, आप तकरीबन 1 कप के करीब आपने बर्फ डालनी है इसके अंदर बारीक पीस से। कप ये हो गया, अब हम इसके अंदर इसको पहले थोड़ा सा हमने ग्राइंड कर देना बिस्मिल्लाह, इसको हमने सब कुछ डालने के बाद ऊपर लेके, इसको हमने सब कुछ डालने के बाद, आइस डालने के बाद थोड़ी देर इसको करना है, जब आइस का बिल्कुल दाना खत्म हो जाए फिर हम इसके अंदर फ्रेश क्रीम मिला के इसको करेंगे। पहले आप फ्रेश क्रीम डाल देंगे, फ्रेश क्रीम फट जाएगी, वो इसके अंदर जो इसकी स्कूपी टाइप का बनता है अच्छा लिक्विड वाला, वो नहीं बनेगा। सही, देखें क्या करना, अब जैसे कि इसकी आइस खत्म हो चुकी है, आइस का दाना खत्म हो गया, अब हम इसके अंदर फ्रेश क्रीम मिला रहे हैं। एक भी डाल सकती है, पूरा डालना चाहे मगर नहीं, एक नहीं डालें बस, आपको 2 बोलेंगे, 2 खाने के चमचे। इतना चलाएं कि जो फ्रेश क्रीम डाली है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाए। ये हमारा
तैयार है। इसके लिए हमें कप धोने होंगे गिलास। अच्छा, टिश्यू पेपर लगाने का क्या तरीका होता है? टिश्यू पेपर लगाने के लिए पहले आपने बाढ़ की साइड से इसको गिलासों को धोना है। टिश्यू को ले आते हैं। देखें, इस तरह से कर लिया आपने टिश्यू। ये पहले भी डाल सकते हैं, बाद में भी आप डाल सकते हैं। तो इसमें आ गया आपका स्ट्रोक। डाल दें, इस पे लगा दें, दूसरा भी डाल देता हूँ टिश्यू। ये आपका क्रीमी शेक तैयार। ऐसे रखने जैसे। ओके फ्रेंड, बहुत ही आसान और बेहतरीन बनाइएगा मिल्की क्रीमी बनाना शेक। खुदा हाफिज़।